खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। हरदोई की जिला अधिकारी के द्वारा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया, जिस दौरान उन्होंने गंदगी पाए जाने पर व कर्मचारियों के गायब मिलने पर कई पर कार्रवाई की गाज गिराई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। डीएम पुलकित खरे आज अचानक जिला अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने औचक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। इधर उधर गाड़ी बाइकों के मिलने पर डीएम काफी नाराजगी जाहिर की तथा स्कॉट में तैनात पुलिस कर्मियों से बाइकों की हवा को निकलवा दिया और सभी के नंबर नोट कर आरटीओ की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट को देखा, वार्डो में ऑक्सीजन सप्लाई न मिलने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। गंदगी मिलने पर कार्यदायी संस्था के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए सीएमएस एके शाके को तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। मेरे द्वारा औचक रूप से जिला अस्पताल में पुरुष विंग का इंस्पेक्शन करा गया। इसमें खास जोर इस बात पे दिया गया कि मेरे द्वारा जो पूर्व में इंस्पेक्शन करे गए हैं, क्या उसमें बताई गई बातों का अनुपालन हो रहा है या नहीं, ये देखते हुए पूर्व के निरीक्षण आख्याओं के साथ इस बार इंस्पेक्शन करा गया। खास तौर पे जो बड़ी कमी सामने आई वो सफाई व्यवस्था को लेकर थी। इस समय संचारी रोग का समय है, जब पूरे जनपद में हम लोग सफाई व्यवस्था पे जोर दे रहे हैं और पिछले 2-3 निरीक्षण में हर बार चेतावनी देने के बावजूद नालियों में और वार्ड्स के बाहर पूरे परिसर में सफाई की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। जानकारी करने पर पता चला कि हर शिफ्ट में 10 सफाई कर्मी भी लगे हैं, पर उसके बावजूद सभी नालियां चोक पाई गई हैं और उनमें मच्छर और भी पाए गए और जिससे कई बीमारियां फैलने की गुंजाइश रहती है। तो उसको देखते हुए है का जो ठेकेदार है जिसको सफाई का ठेका मिला हुआ है, तत्काल रूप से उसका ठेका निरस्त करने के यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी करी जाएगी। बाकी जो अन्य निर्देश दिए गए थे काउंटर को लेके, टोकन सिस्टम को लेके है, पार्किंग को लेके, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई सीएमएस साहब ने करी है और वो प्रगति में है और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 15 दिनों में सीएमएस साहब को भी निर्देशित कर दिया गया है कि उन सारी चीज़ों को भी पुनः दुरुस्त कर लें। लेकिन सफाई का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि बीमारियाँ उसी कूड़े और उसकी नाली चोक की वजह से फैलती है और उसमें कोई हम गुंजाइश नहीं छोड़ सकते कि 3 निरीक्षण के बाद भी उसमें कोई सुधार परिलक्षित नहीं। में पिछले कई समय से शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पे जो स्टाफ है वो शाम के बाद वीडियो भी मुझे जानकारी में आए थे हैं और इस तरह का स्टाफ वहाँ पे गलत व्यवहार वहाँ पे शाम के बाद करता है, उसको लेके एक कड़ी चेतावनी मौखिक रूप से वहाँ पे जो मौजूद स्टाफ है उसको दी गई। साथ ही साथ एक प्रवृत्ति देखी जा रही है कि प्राइवेट संस्थाओं द्वारा बिना किसी परमिशन के ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं। इसमें हम लोगों को सचेत रहना होगा, क्योंकि एक संवेदनशील मामला होता है ब्लड को लेके है, जो सिरिंजेस होती हैं वो भी एक संवेदनशील इशू है और इस तरह की परमिशन से पूरी संस्थाओं के दी जाएँ जो प्रशासन से हैं, प्रॉपर परमिशन लेते हुए यहाँ पर आए और स्वैच्छिक रूप से यहाँ पे कोई भी आके ब्लड बैंक अगर ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो उसको एक प्रॉपर परमिशन लेना होगा। यही बात निर्देशित करी गई ब्लड बैंक। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।